कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल, बहुत सारे माइंड में सवाल, आज उसी टॉपिक पे हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक होने वाला है? हाँ, 1000 व्यूज में कितने पैसे, अगर 1 लाख व्यूज है तो कितने पैसा मिल सकता है यूट्यूब से। आपके मन में हमेशा यही डाउट होता है, $1 कमाने के लिए कितने व्यूज देने पड़ते हैं, यानी कितने व्यूज में $1 हम कमा सकते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा अभी तक, सारे कितने वीडियो को आपने देख लिया होगा कि आखिरकार $1 कमाने के लिए कितने व्यूज देने पड़ते हैं, यानी कितने व्यूज में $1 बनता है, ठीक है। यार दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है यूट्यूब में। देखिए दोस्तों, वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप किस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, किस टाइप का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज डिपेंड करता है। देखिए अगर आप टैग वीडियो बनाते हैं तो उस टैग वीडियो के अनुसार आपके चैनल पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है। अगर आप किसी गैजेट्स वगैरह का अनबॉक्सिंग या रिव्यू करते हैं तो उसके रिलेटेड आपके वीडियो पे एडवर्टीजमेंट आते हैं। अगर आप साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं तो साइंस रिलेटेड उस पर एडवर्टीजमेंट चलता है। यूट्यूब विल बी डिसाइड विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट शैल बी एप्लीकेबल ऑन दैट वीडियो, ठीक है। वो हमने डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इस वीडियो पे कौन सा एडवर्टीजमेंट चलेगा, ठीक है। वो हमारी डैशबोर्ड में नहीं एप्लीकेबल है, नहीं ऑप्शन रहता है, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है? YouTube ही डिसाइड करता है कि आपका चैनल में किस टाइप का एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए, आपके वीडियो में किस टाइप की एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको इवन ये भी कहते होंगे कि आप कभी भी यूट्यूब में मिस कंटेंट मत बनाइए, बट अगर अर्निंग को देखते हैं ना तो मिस कंटेंट इज मच मोर हायर रैंक देन द सेम कंटेंट, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, अगर आप YouTube में एक ही कंटेंट देते हैं तो आपके YouTube चैनल में जो भी वीडियो है उसमें एक टाइप के एडवर्टीजमेंट ही ऑब्वियसली हमेशा चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका चैनल मिस कंटेंट है, अलग अलग कंटेंट पे आप वीडियो बनाते हैं तो आपके एडवर्टीजमेंट भी अलग अलग टाइप के चलते हैं। एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट भी आती है, लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट भी आती है, तो इसमें क्या होता है? हाँ ऑब्वियसली आपके व्यूज तो अच्छे नहीं आते होंगे क्योंकि आपका मिस कंटेंट है, जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं व्यूज नहीं आते होंगे, ठीक है। बट अगर आप अर्निंग को कंपेयर करते हैं एज कंपेरेटिव टू बोथ वीडियो, तो अर्निंग सबसे ज्यादा मिस कंटेंट में मिलता है। लेकिन मिस कंटेंट में भी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। मैं अगर यहां बात करूं तो टैग वीडियो में मतलब एडवर्टीजमेंट अच्छा मिलता है, हाई एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। अगर आपकी गैजेट्स अनबॉक्सिंग वगैरह रिव्यूज वगैरह है चैनल, तो उसमें मोर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट चलते हैं। अगर आप सिंपल कॉमेडी वीडियोज वगैरह क्रिएट करते हैं या फूडिंग वीडियोज क्रिएट करते हैं, उसमें थोड़ा सा लो कॉस्ट जो एड है वो चलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इज डिपेंड ऑन योर द कंटेंट, ठीक है। वो कंटेंट पे डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपका गैजेट्स रिव्यूज वगैरह का चैनल है तो उसमें काफी हाई एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट चलते हैं। कार रिव्यूज वगैरह है तो उसमें हाई एक्सपेंसिव के एडवर्टीजमेंट चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और टैग कंटेंट है तो आपका एक एवरेज निकाल सकते हैं कि 2500 से लेकर 3000 व्यूज के बीच में $1 आप बना सकते हैं, ठीक है।